सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अफ्रीका में आपका फिर से स्वागत है। और चलता हूँ, एक चीज़ नई दिखाता हूँ, नई चीज़ दिखाता हूँ, नई चीज़ से रूबरी दिखाता हूँ। ओके, मुझे ही तैयारी, बुके बुके। तो ये अंकल हैं, बोल रहे हैं कुछ दिखाता हूँ, और मुझे भी नहीं मालूम वो क्या चीज़ है। चलता हूँ, गांव में आया हूँ मैं, पहाड़ों में हूँ बहुत दिनों से, आपको पहाड़ों की लाइफ दिखा रहा हूँ। अफ्रीका में पहाड़ों की लाइफ कैसी होती है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं बिना बिजली पानी के। और इनके पास नेचर का दिया सब कुछ है भाई, आप शहरों में नहीं पाओगे ऐसी चीज़। चारों तरफ आप देख पा रहे हो ग्रीनरी। और पिछले ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। कसावा, नहीं कसावा, बुके बुके। ये बिजुम्बा तैयारी, अच्छे का बिजुम्बा, दोगो दोगो। देखो ये स्वीट पोटैटो है। तो बोल रहे हैं कि, मैंने बोला कि भी अगर तैयारी है तो निकालते हैं। ये पापा हिंग हिंग तैयारी, अच्छे का ये अपना सावा कि दोगो बादो तैयारी। ओके, बोल रहे हैं अभी छोटा है, बाद में तैयार होगा। जब मैं फिर वास लगाने उन्हें उबारिया कुछ सीखी नहीं होगी तो सभी के नहीं होगी। ओके, ये केला है शायद, यहीं के हाथ में छा देते। ये मतो की तैयारी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बियो ते नांग है, बादो बादो ना, यानी कि दोग। मैं सोच रहा था कि इसको पूरा यहाँ से कटवा देता और लेके जाता घर जब जाऊंगा। तो अभी तैयार हो रहा है, तैयार हो जाएगा तो और बीन्स हो गई, बीन्स दिखा दिया आपको। और ये है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का पेड़ है जो ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है अपने पिछले व्लॉग में, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉफ़ी के छोटे छोटे कॉफ़ी बीन्स हैं, आपको दिखाता हूँ करीब से। अबो काकुना, अबो काकुना, तैयार ही। अभी तक तो चारों तरफ केले के पेड़ ही दिख रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, आह क्या बात है, इसकी भी सब्जी बनती है। और वो केला तैयार हो रहा है। और ये देखिए, ये तैयार हो गई मेहंदी, तैयारी मेहंदी मेहंदी। ये कसावा महोगो उगाली। ये सामने देख पा रहे हैं, ये जो पेड़ है ये अवोकाडो का पेड़ है, अवोकाडो का ट्री है। और देखिए वहाँ पे फल भी लगे हुए हैं, काफ़ी ऊंचा है। मैं तुम्हें दिखाता आपको करीब से। बीन्स चारों, तो ये सब बीन्स है। और चलते हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ों में चलना भी आसान नहीं है। ये देखिए अमरूद का पेड़, इसको पेरा बोलते हैं, मपेरा। ये पेरा देखिए, ये फल माशाल्लाह माशाल्लाह, बट अभी छोटे छोटे हैं, तैयार हो रहे हैं। इसका पेड़ ऐसा कुछ होता है, ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है ब्लॉग में, फिर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कॉफ़ी का पौधा है, कॉफ़ी। ये मुझे ये कॉफ़ी है, ये इसका कॉफ़ी बीन्स है। और ये देखिए आपको दिखाता हूँ करीब से, ये जो है अवोकाडो है। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं। और इंडिया में
एक एवोकाडो 200-400 का मिलता है, सो बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ तो पहले मिलता नहीं है। ये देखिए इसका पौधा है, बिल्कुल आम की तरह होता है इसका पेड़। जो लोग आम का पेड़ देखे होंगे, पौधा देखे होंगे, उसी तरह होता है, उसी तरह फरता भी है। और ये बहुत ही मेडिकेटेड है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एवोकाडो दिखा दिया आपको, केले दिखा दिए, अमरूद दिखा दिया, मेहंदी दिखा दी, भुट्टा छल्ली, स्वीट पोटैटो, सब कुछ तो दिखा दिया आपको, और कॉफ़ी। और ये है पहाड़, नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा सा। चारों तरफ हरियाली है और बच्चे मुझे देख के हंस भी रहे हैं, क्या क्या बोल रहा बंदा। ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुदरत, अल्लाह की कुदरत, नेमत, बरकत चारों तरफ। तो ये मत सोचिए कि जो शहर में रहते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इनको मिला हुआ है। और ये फ्रेश जगह पे रहते हैं, फ्रेश सब कुछ फ्रेश मिलता है इनको, इवन ऑक्सीजन, इसलिए कभी ये बीमार नहीं पड़ते। गांव के लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं। तो ऐसा है कुछ। अब मुझे लगता है कि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं ही स्टॉप करता हूँ। तैयारी मुझे सावा ए, पोले पोले। तो बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ अपना ब्लॉग, तब तक के लिए पीस आउट।